भारत के विशाल और घने जंगल में अनेक सांपों वसवाट करते हैं और भारत के अनेक जंगलों में अनुकूल निवास स्थान प्रदान करते हैं। भारत में सांपों की लगभग 217 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियां ही जहरीली है। इनमें से भी अगर आप कुछ बहुत जहरीली वाली देखे जाए तो 15 प्रजातियां ही ऐसी है जो बहुत अधिक जहरीली है और उन्हें और इनके काटने पर मृत्यु तक हो सकती है। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 47,000 लोग इन जहरीले सांपों के काटने पर मर जाते हैं। यह है भारत के से सबसे जहरीले सांपों की सूची। तो पहले नंबर पे हमारे साथ आते हैं इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा को भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे जहरीला सांप माना जाता है और सबसे जहरीला सांप है। यह ज्यादातर जंगल में और नदियों में किनारे, खेतों में और गांवों के आसपास रहते हैं। यह रेंगने वालों जीवों को, छिपकलियों को और मेंढकों को अपना शिकार बनाते हैं। इंडियन कोबरा चूहे को अपना शिकार ज्यादातर बनाते हैं। इंडियन कोबरा सांप को हिंदुओं में पूजा भी की जाती है और लगभग 15,000 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। भारत के सबसे जहरीले सांपों में से हमारी सूची में दूसरे नंबर पे है इंडियन क्रेट। इंडियन क्रेट भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इनके एक बार काटने से इतना जहर निकलता है जिससे 60 लोगों की जान जा सकती है। इस सांप की 12 प्रजातियां और 5 उप प्रजातियां होती है। सालाना लगभग 10,000 मौतों के लिए इस सांप जिम्मेदार है। चौथे नंबर पर आते हैं सो स्केल्डर वाइपर। सो स्केल्डर वाइपर नाम का यह सांप लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सेल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रमण प्रवृत्ति और उसकी घातक जहर शक्ति उसे बहुत खतरनाक बना देती है। भारत में ये सालाना लगभग 5,000 मौतों के जिम्मेदार है ये सांप। और पांचवें नंबर पे आती है द किंग कोबरा। द किंग कोबरा यह सांप भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 13 से 15 फुट होती है। यह ज्यादातर वर्षा वनों, नम जंगलों, शांत दलदलों और बांस के वनों में रहते हैं। हालांकि यह बहुत जहरीले और घातक होते हैं और इनके काटने पर मृत्यु होती है संभावना ज्यादा होती है। यह बहुत ही कम लोगों को काटते हैं। और हमारे छठे नंबर पे है इंडियन ग्रीन पिट वाइपर। इंडियन ग्रीन पिट वाइपर को भारत में बम्बू वाइपर या ट्री वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप मुख्य रूप से झाड़ियों में और बांस के पेड़ों पर रहते हैं। यह सांप मेंढक, छिपकली और कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। इन सांपों की लंबाई 2.5 फीट होती है। इंडियन ग्रीन पिट की प्रजाति ज्यादातर भारत के पश्चिम घाट पर पाई जाती है।